हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं श्रीमती मधु शर्मा, माध्यमिक शिक्षिका, गवर्नमेंट एक्सीलेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में पदस्थ हूँ। तो बेटा, आजकल कोविड-19 का वो चल रहा है दौर, तो उसमें आप लोग है ना स्कूलिंग में नहीं आ सकते, क्योंकि आपके बच्चों के लिए ये तीसरी लहर सिर्फ सिर्फ ओनली बच्चों के लिए है, जो कि खतरनाक है। तो ऐसे कोविड-19 के हालात को देख मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं। पहले भी कुछ टॉपिक्स थे जो मेरी वीडियो में पिछले में अपलोड हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमने लिया है समास। समास क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप, यानी इस प्रकार समास दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाने की एक विधि है, एक प्रक्रिया है। परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नवीन शब्द बनाने की प्रक्रिया ही समास है। या फिर दूसरी तरह, दूसरी परिभाषा में हम लेंगे बेटा, दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्दों अथवा कारकों चिन्हों का लोप होने पर उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक स्वतंत्र शब्द को हम समास कहते हैं। एग्जाम्पल, दया का सागर, सामसिक शब्द बनता है दया सागर। और भी है जैसे अकाल पीड़ित, प्रतिदिन, है ना, ऐसे इस तरह के और भी एग्जाम्पल है, आप ले सकते हैं। तो समास के नियमों में निर्मित शब्द, यानी समास दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल को समास कहते हैं। समास की भेद, अब हम आएंगे समास कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ समास। समास के 6 भेद होते हैं। नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 बहुव्रीहि समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 तत्पुरुष समास, नंबर 5 द्विक समास एंड नंबर 6 द्वंद समास। इस तरह समास के 6 भेद हैं, जो पीपीटी मैंने लगा रखी है, आप उसमें देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट आएगा आपका अव्ययी भाव समास। तो बेटा ध्यान से सुनेंगे, कंसंट्रेशन बनाए रखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। जिस समास में, पहला आएगा फर्स्ट अव्ययी भाव समास, जिस समास में प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान होता है उसे हम अव्ययी भाव समास के नाम से जानते हैं। तो और उसकी दूसरी परिभाषा है, जिस समास में पूर्व पद यानी पहला पद अव्यय हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। इस बार यह वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य भी करता है। इसमें सबसे पहली ट्रिक ये है कि इसका पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नीर, यथा आदि। तो आप समझ गए होंगे, इसकी ट्रिक बहुत ही आसान है, इसमें सबसे पहले उपसर्ग आएगा, जैसे यथा स्थान, यथा संभव, आजीवन, प्रतिक्षण, प्रतिदिन। अलग अलग तरह के समास अव्ययी भाव में आते हैं, तो आप ऐसे जान सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया ट्रिक का आपको मैं बताने जा रही हूँ कि इसमें सबसे पहले उपसर्ग आता है। सेकंड आएगा आपका तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद अंत और ऑब्लिक उन अंतिम पद प्रधान होता है, यानी कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक एंड अधिकरण कारक। नोट, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का भी प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय, आलय मीन्स स्थान, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी किसका पुत्र है, राजा का। विद्यालय क्या है, विद्या के लिए बनाया गया निवास, आलय, स्थान। अब आएगा आपका थर्ड कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद, पूर्व पद में समझ रहे हैं ना बेटा, पूर्व पद में सबसे पहला पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो, तो वह समास कौन सा कहलाएगा, कर्मधारय समास। इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है, पूर्व पद मीन्स पहला पद, उत्तर पद मीन्स दूसरा पद, जैसे काली मिर्ची, काली मिर्ची कैसी है विशेषता बता रहे, काली, तो काली है जो मिर्च,
नील कमल, कमल कैसा है? नीला। पीतांबर, पीला है जो अंबर, यानी अंबर कैसा है? पीला। सदगुण यानी गुण कैसे हैं? अच्छे गुण। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली। इस तरह से कर्मधारा के और भी बाकी उदाहरण है जो आप देख सकते हैं। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। बोध मीन्स ज्ञान होता है। नेक्स्ट आएगा आपका बहुव्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से किसी विशेष यानी किसी तीसरे पद का बोध होता है वो कौन सा कहलाएगा? बहुव्रीहि। जिस प्रकार महात्मा, नीलकंठ, लंबोदर, गजानन है, मक्खी चूस, गिरधर इस तरह के आते हैं, यानी महात्मा मीन्स महान है आत्मा, यानी कैसी आत्मा है? महान। नीलकंठ, कंठ नीला है, कंठ जिसका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट जिसका अर्थात गणेश जी। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। मक्खी चूस यानी बहुत कंजूस व्यक्ति, जिसको हम क्या कहेंगे? मक्खी चूस। ऐसे इस तरह तीसरे अर्थ का बोध कराए वो बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। नोट यानी इसमें इम्पोर्टेंट बात क्या है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर एक नया शब्द बनता है, एक नया शब्द उभर कर सामने आता है, इस तरह उसे हम बहुव्रीहि समास के नाम से जानेंगे। द्विग, द्विग समास में पहला पद, पहला पद मीन्स पहले बोले जाने वाला पद संख्यावाची, काउंटेबल हो, जिसमें संख्या हो, विग्रह करने पर समूह का बोध होता हो, यानी पहला पद सबसे आसान ट्रिक, इसमें सबसे पहला पद जैसे पंचानन है ना, नवरात्रि, त्रिलोक, त्रिभुज, चतुर्भुज, तो चतुर्भुज चतुर यानी चार भुजाओं वाला है ना, पंच तत्व यानी पांच तत्वों का समूह, पंचवटी यानी पांच वृक्षों का समूह, नवरात्रि यानी नौ रात्रियों का समूह। दुख समास में संख्या का बोध होता है, यानी संख्या बताई जाती है जो पहले पद से शुरू होता है। अब आप समझ गए होंगे कि दुख समास बहुत ही आसान है। नेक्स्ट द्वंद समास, सबसे लास्ट, जिस समास में पूर्व पद, उत्तर पद और उत्तर पद दोनों ही, यानी इस समास एक ऐसा समास है द्वंद जिसमें दोनों ही पदों का प्रदान महत्वपूर्णता है, यानी दोनों ही पद अपने आप में महत्वपूर्ण है, अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व है और उनके मध्य एक संयोजक शब्द का लोप हो तो वहां द्वंद समास कहलाता है। लोप मीन्स डैश लगा हुआ, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी एक पद दूसरे पर डिपेंड नहीं है, दोनों ही पद को समान प्रधानता है, विग्रह करने पर बीच में और या का बोध होता है, यानी इसमें और आएगा या आएगा, है ना, जैसे माता पिता, तो माता और पिता, भाई और बहन यानी भाई बहन, पाप पुण्य यानी पाप और पुण्य, सुख दुख यानी सुख और दुख। नोट, द्वंद समाज में योजक चिन्ह, द्वंद समास कैसा समास है जिसमें योजक चिन्ह यानी डैश और या का बोध होता है, इससे हम परिचय कर लेते हैं, इससे हम जानकारी कर लेते हैं कि अमुक समास द्वंद है। तो बच्चों आज हमने आपको इतने सारे समास के बारे में बताया, समास की डेफिनेशन बताई, समास के भेद बताए, तो आपको कितना समझ में आया इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको मेरा चैनल कैसा लगा, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक भी करें। अब मैं आपको पूछने जा रही हूँ कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप अपनी नोटबुक उठाइए और लिखिए, फिर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, ठीक है बेटा? बच्चों तो ध्यान से, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, किस समास में शब्दों के मध्य में संयोजक शब्द का लोप होता है? ऑप्शन ए द्विग, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी द्वंद समास और ऑप्शन डी अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट सेकंड
पूर्व पद संख्यावाची शब्द है, कौन से समास में है? ऑप्शन अव्ययीभाव, ऑप्शन बी द्वंद, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्विक। थर्ड क्वेश्चन, जन्मांध शब्द है कर्मधारय, ऑप्शन ए कर्मधारय, ऑप्शन बी तत्पुरुष, ऑप्शन सी बहुव्रीहि, ऑप्शन डी द्विक। फोर्थ क्वेश्चन, यथा स्थान सामासिक शब्द का विग्रह होगा, यथा और स्थान ऑब्लिक ए, सॉरी पॉइंट वन यथा और स्थान, पॉइंट टू स्थान के अनुसार, पॉइंट थ्री यथा का स्थान, पॉइंट फोर स्थान का यथा। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष यानी कोई किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे हम कौन सा समास कहेंगे? अव्ययी भाव, ऑप्शन बी द्विक, ऑप्शन सी तत्पुरुष, ऑप्शन डी बहुव्रीहि। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, सप्तदीप सामासिक पद का विग्रह होगा, ऑप्शन ए सप्तदीपों का स्थान, ऑप्शन बी सात दीपों का समूह, ऑप्शन सी सप्तदीप, ऑप्शन डी सात दीप। बच्चों ध्यान से आपने मेरे क्वेश्चन देखे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।